अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सहार न्यूज और आज हम हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शोभा शरीफ ने अपने पहले दिन का इफ्तिताह शानदार तरीके से किया। उन्होंने दफातर में अफसरान से मुलाकात की और इन्हें नए अज़्म के साथ काम करने की हदायत की और तेज तरीन पाकिस्तान बनाने पर जोर दिया। लेकिन दूसरी तरफ फर्ज करो की गर्दान पर जोर शुरू हो गया। मुल्क भर में क्या क्या होता रहा हम आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले जिन नाजरीन ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इसे सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करते ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर ये आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करते। तो वापस अपनी वीडियो की जानब आते हैं। नाजरीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपना वजारत उज़्मा का पहला दिन इंतहाई पुरअज़म तरीके से शुरू किया। उन्होंने ब्यूरोक्रेट अफिसर से मुलाकातें करके तेज तरीन पाकिस्तान चलाने की हदायत की और इन्हें वक्त की पाबंदी की तलकीन भी की। उन्होंने वजारत उज़्मा का ओहदा संभालते ही वो काम किए जो साबक हुक्मरानों ने अपने दौरे इक्तदार में इनसे गुरेज किया। साबक हुकूमत ने महंगाई का तोहफा आवाम को दिया। इन्होंने तनख्वाहों और पेंशनों में इजाफा किया जो साबक हुकूमत में ना हो सका। इन्होंने महंगाई के खात्मे के लिए सब्सिडी दी और कहा कि महंगाई के जिन को जल्द काबू कर लिया जाएगा। उन्होंने मालियाती इदारों से मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए मीटिंग्स भी की। इनके इक्तदार के साथ ही डॉलर की वापसी और रुपये की कदर में इजाफे का सिलसिला भी शुरू हो गया। आज की एक और खबर ये भी रही कि IMF ने पेट्रोल महंगा करने और बिजली महंगी करने की अपनी रवायत को दोहराया तो वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ ने इन्हें क्या जवाब दिया सुनकर मुझे भी यकीन नहीं आया। उन्होंने कहा कि प्रेशर में आने वाले जा चुके हैं, हम मुल्क को बेहतर करेंगे, CPAC तेजी से चलाएंगे, हो सकता है हमें आपकी जरूरत पेश ना आए, हम अब IMF का प्रेशर नहीं लेंगे। मैं हैरान हूँ कि पाकिस्तान के आवाम को दलेरी का दर्स देने वाला IMF के हर हुक्म पर लबैक कहता और आवाम को ना जाने क्या कहता। खैर, हमारा इस मसले से क्या लेना देना। हमारे एक कर्म फरमा ने बताया कि आर्मी चीफ तकरीब हल्फ बर्दारी में क्यों ना आए, मसला तो अब भी संगीन है। मुझे तो हकीकत में मालूम नहीं कि आर्मी चीफ शरीक हुए या नहीं। अब तक अगर नहीं हुए तो वजह के बारे में मुझे भी मालूम नहीं। दूसरी बात, उन्होंने कुछ यूं की कि MQM हुकूमत से नाराज है, कल शहबाज शरीफ इन्हें मनाने कराची जाएंगे। मुझे ये मालूम नहीं हुआ कि इसे ये खबरें कहां से मिल रही हैं। हालांकि आज हुकूमती पहला दिन है और अवाम यानी के पूरा पाकिस्तान ही इनके पहले दिन की कार्रवाई से खुश है। दूसरा ये कि आज आसफ अली जरदारी परवेज इलाही से मिलने गए थे। फर्ज करे जरदारी शहबाज शरीफ को धोखा दे जाते हैं, फिर क्या बनेगा। PTI के मुस्ताफी हो जाने के बाद की सूरत हाल हुकूमत को चलने नहीं देगी। ये तो थी फर्ज करो के साथ की गुफ्तगू, मगर हकीकत तो ये है कि हुकूमती आगाज ने PTI को शदीद परेशान कर दिया है। वो नाकाबले फहम गुफ्तगू कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर इनकी पोस्टों पर हंसी आती है और इनकी मायूसी झलक रही होती है। अब हुकूमत इस हद को भी मंजर-ए-आम पर यानी इन कैमरा ब्रीफिंग दिलवाएगी जिसमें नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल, सहाफती और दीगर तहकीकाती अदारे शामिल होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा है कि अगर मेरा 1% भी इसमें हिस्सा हुआ तो उसी वक्त इस्तीफा दूंगा। अगर इसमें कोई हकीकत ना हुई तो इमरान खान मुझसे माफ़ी मांगेगा। जो चैनल्स दिखाएंगे, अब तक इमरान खान की जानब से कोई भी जवाब नहीं आया कि उन्हें ये ऑफर मंजूर है या नहीं। दूसरी जानब PTI के वो लोग शदीद परेशान है जो वहाँ से तनख्वाह लेते थे। आगे चलकर हम आपको दिखाएंगे कि लोगों के सामने सर उठाकर चलने वालों के सर कैसे झुक जाते हैं। यूं जानिए PTI में अब भी कुछ लोग ऐसे हैं जो बाकायदा अमरीका से तनख्वाह वसूल करते हैं और काम पाकिस्तान में इमरान खान के इर्द गिर्द करते हैं, जिनमें सहाफ़ी मतीउल्ला ने शहबाज गिल से ये नारा मस्ताना बुलंद करने को कहा।
कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है, तो उन्होंने क्या जवाब दिया आप भी सुनिए। अमेरिका का यार गद्दार है कि नहीं? इतने सवालों का जवाब, अमेरिका का यार गद्दार है कि नहीं? इतने सवालों का जवाब दे रहा हूँ, एक मेरा वापस अमेरिका का यार गद्दार है कि नहीं? दस दफा तो नहीं करो, नहीं आप नारा नहीं लगाएंगे तो लोगों को क्यों नारा लगवा रहे हैं आप? तो लगा दिया अभी नारा, नहीं तो लोगों को आप बेवकूफ बना रहे हैं कि अमेरिका के यार गद्दार है और खुद आप कहते हैं फलां राजा है और फलां राजा नहीं। कभी नहाने के लिए कपड़े उतारे और आपको लगा पहले शर्म कर लो थोड़ी? अच्छा मुझे ये बताएं गिल साहब, अभी आप अभी आप कॉमेडियन बन रहे हैं, आप मुझे बताएं क्या अमेरिका, क्या अमेरिकी हुकूमत से सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए? आप अपने कॉमेडियन, क्या अमेरिकी हुकूमत से सफारती ताल्लुकात रखने चाहिए? सफारती ताल्लुकात लेकिन इज्जत, क्या अमेरिकी सफीर को निकालना चाहिए? नहीं, क्यों निकालना, इज्जत और एहतराम के साथ। फ्रांसीसी सफीर को निकालना चाहिए था? और फ्रांसीसी सफीर को हमारी हुकूमत ने नहीं निकाला? नहीं, क्यों नहीं निकाला? अगर इतना सारा आप इस्लाम के ठेकेदार भी बन रहे हैं, मोहब्बे वतन भी बन रहे हैं, तो फ्रांसीसी सफीर को क्यों नहीं निकाला? देखो इसीलिए मैं पूछता हूँ कि आपको शर्म आनी चाहिए। अभी आप पे तुम पे आ गए, आपका ये हाल है। अभी आप इस्लाम को सवाल कर रहे हैं, अभी आपने, अभी आप इस्लाम को यूज कर रहे हैं, अभी आपने आपसे तुम पे बात की। इमरान खान, इमरान खान ये कहते हैं कि अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है, ठीक है? अमेरिका का जो यार, ये इमरान खान ने आपके अरकीन ने असेंबली में नारे लगाए कि अमेरिका का जो यार है गद्दार है। आप नारा लगाते हैं अमेरिका का जो यार है, लेने को दिल किया कि शर्म, आप नारा लगाते हैं अमेरिका का जो यार है गद्दार है, नारा लगाते हैं, कभी दवाई लेने को दिल किया? शहबाज गिल उन सियासतदानों में से हैं जो आवाम को बेवकूफ बनाते हैं कि नारा लगाए अमेरिका का जो यार है गद्दार है, मगर ये खुद नहीं लगाते। अच्छा, क्योंकि ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी में, ये अमेरिकी यूनिवर्सिटी में नौकरी करते हैं और अमेरिकी यूनिवर्सिटी से तनख्वाह लेते हैं। आपके अहले खाना भी अमेरिका में, अहले खाना अमेरिका में, ये खुद इनके तमाम तर जो है वो अमेरिका में, इनके फ्यूचर इनके अमेरिका में है और जो इनके वजीर आजम है उनका फ्यूचर बरतानिया में है और यहाँ पे लोगों को बेवकूफ बना के अमरीका मुर्दाबाद के नारे लगवा रहे हैं। इसके हवाले से हम आपको मजीद अपडेट भी देते रहेंगे। इजाजत दीजिए, एक बात तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करते हैं। खबर शामिल करते हैं नौशहरा वादी सोन से, रिपोर्ट कर रहे हैं मलक जाहिद फारूक अवान। साबक वजीर आजम इमरान खान से इजहार यकजहती के सिलसिले में पुरअमन रैली निकाली गई। तहसील नौशहरा के सदर मलक इखलाक की क्यादत में मिलाद चौक से शुरू होकर रैली मेन बाजार से गुजरती हुई तकबीर चौक पर इख्तिताम पजीर हुई। रैली में वादी सोन के तमाम इलाकों से सैकड़ों कारकुनों और नौजवानों ने शिरकत की। रैली में मुनहरफ कारकुनान, पीडीएम और अमेरिका के खिलाफ भरपूर नारेबाजी की गई और पाक फौज के हक में नारे लगाए गए। रैली के शुरका से मलक इखलाक, मलक इजाज परवेज, मलक नईम जफर और दीगर ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पूरी कौम इमरान खान के साथ खड़ी है। उन्होंने एमएनए मलक उमर असलम और एमपीए मलक फतेह हालक को खिराज तहसीन पेश किया। कराची से वकास मुगल की रिपोर्ट के मुताबिक एसएचओ थाना नबी बख्श नसीम इकबाल की बेहतरीन कारकर्दगी को सराहा और तमाम थानों में थर्ड पोजीशन हासिल करने पर, इलाके में अमनो अमान की फिजा को कायम रखने और बेहतरीन परफॉर्मेंस पर एसएसपी डिस्ट्रिक्ट सिटी शबीर अहमद ने शाबाशी दी और इन्हें अवार्ड से भी नवाजा। खानगढ़ से ख्वाजा मंसूर हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक खानगढ़ पुलिस की बड़ी कार्रवाई। खानगढ़ पुलिस ने अगवाशुदा शहरी को 13 रोज बाद बाजियाब करा लिया। एसपी सनाउल्ला के मुताबिक मुलजमान तावान मांग रहे थे। मुलजमान से सैकड़ों बेनाम मोबाइल सिम्स बरामद हुई। 8 गिरफ्तार मुलजमान का ताल्लुक बैनसुबाई गैंग से है। गिरफ्तार मुलजमान से 20 लाख रुपए और असलहा बरामद हुआ।